गहाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। एरिस को अकेला नहीं छोड़ सकता मैं, और मैं तुम जैसे बहादुर जंगजू को मौत के मुंह में जाने नहीं दे सकता। हमें तुम्हारे जैसे जंगजू की जरूरत है। अमीर निजामुद्दीन को यहाँ ले आया है अमीर हजरत। उन्हें वो मकतूब मिल गए जो उसकी हवेली में रखवाए थे। आपके हुक्म के मुताबिक वो मकतूब हवेली में रखवा दिए गए थे अमीर हजरत। उसकी हवेली से हमें ये दस्तावेज मिले हैं सुल्तान। मुझे जो जहर दिया गया वो तुम्हें कहां से मिला ये भी लिखा है इनमें। ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है सुल्तान मौसम। अमीर निजामुद्दीन ने खुदकुशी कर ली है सुल्तान। उसकी अंगूठी में जहर था सुल्तान मौसम। उसने यही जहर पिया था, इसी जहर से उसकी मौत हुई है। मैंने सल्तनत की अपने मुकद्दस मकसद और बादशाह के नाम की कसम उठाई है अर्तुगरुल। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें या तुम्हारी रियासत को फायदा पहुंचे। मैं वहां कुछ नहीं बोलूंगा। इन सब के पीछे एक ही शख्स का हाथ है, हमारी रियासत का अमीर, अमीर सादतिन कोपेक। अमीर सादतिन? ऐ खुदावंद, अब मेरी जान बचाना सिर्फ तेरे लिए या मेरे दोस्त तितान के लिए मुमकिन है। अर्तुगरुल के आगे खुद को पेश करने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कोनिया पहुंचने से पहले तितान की मदद फरमा कि वो मुझे ढूंढ सके। तुम्हारा वक्त आ गया एरिस। अर्तुगरुल सरदार कहाँ है? तुम्हें बाजार ले जाएंगे और वहां लोगों का सामना करोगे तुम। अर्तुगरुल भाई भी वहीं मुंतजर हैं तुम्हारे। रुको, मुझे पहले अर्तुगरुल सरदार से मिलना है। उन्हें बताओ कि उनके लिए मेरे पास बहुत अहम मालूमात हैं। बादशाह और बेलेजिक का जमींदार काराजेसार किला वापस हासिल करने के लिए शुमाल की तरफ से पेशकदमी करते हुए हमले के लिए लश्कर रवाना करेंगे। वो यकीनन काई और चावदार कबीले को सबसे पहले निशाना बनाएंगे। भाई, तमाम तुर्क कबाइल में काई और चावदार कबीले सबसे मजबूत हैं। अगर हम नाकाम हुए तो सारे कबाइल नाकाम हो जाएंगे। मेरा मानना है कि बेहतरी इसी में होगी कि ये दोनों कबाइल यकजा हो जाए। भाई, चावदार कबीला तादाद में ज्यादा है लेकिन हमला होने का खतरा भी है उन्हें। वैसे भी चावदार कबीले की चरागाहें दोनों कबाइल के मवेशियों के लिए नाकाफी होंगी, जबकि हमारी तरफ की चरागाहें ज्यादा जरखेज हैं और हरियाली से भरी हुई हैं। भाई, तुम तो इस वजह से बहुत ज्यादा खुश हो गए बमसी। जी हाँ बिल्कुल भाई, क्यों नहीं, इंशाल्लाह हम सब फिर से साथ रहेंगे। बमसी दुरुस्त कह रहा है भाई, चावदार कबीले का काई कबीले की तरफ बसना ही मुनासिब होगा। मैं कबीले वापस जाकर मोअज़्ज़ीन को बताता हूँ और तैयारी का हुक्म देता हूँ। ठीक है तुर्गुत, आर्तुक भाई सिपाहियों को जिम्मेदारी देकर भेजें। काई कबीले के अतराफ में चावदार कबीले के लिए जगह का इंतजाम करें। जो हुक्म आपका भाई। तो चलो आओ भाइयों, एरिस का अंजाम देखने के लिए उसके लोगों को इंतजार नहीं करवाते। भाई, एरिस आपसे मुलाकात चाहता है। लगता है शैतान जबान खोलने के लिए तैयार हो गया है। ले आओ उसे तुम। जो हुकुम भाई। और नाकामी जंग का हिस्सा है। एरिस नाकाम हुआ, दुआ करो कि वो जिंदा हो ताकि उसकी जान बचा सके हम दोनों। चाहे कुछ भी हो जाए, इस जंग को किसी भी हाल में तुम्हें बादशाह के लिए जारी रखना है तीतान। एरिस की तरह तुम भी अर्तुगरुल के खिलाफ अपनी हिमाकतों के जरिए हमारी शिकस्त का बायस मत बन जाना। सुल्तान ने काराजेसार के जमींदार की तरह सोत और दुमैनिज भी अर्तुगरुल के हवाले कर दिया है। वो किला अर्तुगरुल से छीन लेंगे हम। अगर वो तुर्क यहां आबाद हो गए तो कल बेलेजिक और निकिया में भी आबाद हो जाएंगे। लानत हो उन पर। किले से खबर आई है जनाब। अर्तुगरुल ने एरिस को नहीं मारा। कहां रखा है उसे? किले ले गया है, उसे जिंदान में है। मौत की सजा देगा वो उसे। जासूस ने ये खबर भेजी है तुम्हें? हाँ बिल्कुल। कौन है वो आदमी? आदमी नहीं, औरत। बहुत जल्द मिलोगे उससे। किले के अंदर से हर पल की खबर देगी वो तुम्हें। मेरी तलवार जो हमला करके तुमने छीनी थी मुझसे, आज तुम्हारा सर कलम करेगी एरिस। बिल्कुल नहीं अर्तुगरुल सरदार, बिल्कुल नहीं। कहो क्या कहना है तुम्हें? पेशकश कबूल है मुझे, दूंगा मैं गवाही। अगर तुम मेरा सर कलम ना करो तो सुल्तान अलाउद्दीन को सब कुछ बता दूंगा मैं। लगता है जिंदान के अंधेरे से जान जाने का खौफ हो गया है तुम्हें। मैं तुम्हारी रियासत या अमीर सादतीन जैसे शख्स के लिए अपनी जान नहीं दूंगा। इसे वापस डाल दो जिंदान में। जैसा आपका हुक्म भाई। तीतान को जब पता चलेगा कि एरिस कोनिया जा रहा है तो पीछा करेगा वो भाई। हम एरिस को कल खुफिया रास्ते से ले जाएंगे। हम कोनिया के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे जो किसी के गुमान में भी नहीं होगा। मसला सिर्फ तीतान को खबर मिलने का नहीं है। आमिर सादतीन, एरिस को कोनिया लाने की वजह वो पहले भांप जाएगा और फिर एरिस को सुल्तान के सामने पेश करने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपने मुझे याद किया सुल्तान। महल में मौजूद खतरा अब खत्म हो चुका है सादतीन, मगर एक मसले ने मुझे परेशान किया हुआ है। ऐसा क्या मसला है सुल्तान? मुझ पर होने वाले दोनों जानलेवा हमलों ने मेरी परेशानी बढ़ा दी है सादतीन। खौफ मुझे जान का नहीं, खौफ है तो रियासत की बका का। मंगोल जुनूब में हमला करने की कोशिश करेंगे, जैसे मशरक में की थी। चारों अतराफ से हमला करके हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस्लामी रियासतों के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो। इस वक्त हमारे खित्तों पर कब्जा चाहते हैं। वो हमारी कमजोरियों की ताक में है। जैसे ही उन्हें मौका मिला हमारी रियासत पर हमलावर हो जाएंगे। अल्लाह आपका साया हम पर हमेशा सलामत रखे सुल्तान। मैं आज नहीं तो कल मर जाऊंगा सादतीन, लेकिन अगर मेरी मौत अचानक वाकई हो गई तो हालात बुरी तरह बिगड़ जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द रियासत के जानशीन का इंतखाब करना होगा। अब क्या ये वाजे नहीं है सुल्तान? मेरा ख्याल था कि आपके बड़े फर्जंद ख्याल नहीं, मेरे छोटे फर्जंद किलिच अरसलान को सल्तनत का निजाम संभालना होगा। ऐसा क्यों सुल्तान मौसम? क्यों सोच रहे हैं आप ऐसा? अयूबी मलिका का बेटा किलिच अरसलान अगर सल्तनत का सुल्तान बनेगा तो इस्लामी रियासतों को मंगोलों के खिलाफ मुत्तहिद होने में बहुत मदद मिलेगी। और उसके बाद अर्तुरुल। अर्तुरुल? अर्तुरुल का इस मसले से क्या ताल्लुक है सुल्तान मौसम? अर्तुरुल सरदार की सरबराही में तुर्क कबाइल गजा, बेलेजिक, हत्ता के नीकिया भी फतह कर सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी मौत के बाद उनके फतह किए गए तमाम इलाके खुशहाल और तरक्की याफ्ता बन सके। इसलिए मैं रियासत और उन्हें किस्मत पर नहीं छोड़ सकता। इसी तनाजुर में फरमान जारी करो, और ये कि रियासत के एक कमांडर और उसके लश्कर को अर्तुरुल की सरबराही में दे दो। इस जिम्मेदारी के लिए कमांडर याकूब सबसे बेहतरीन इंतखाब है सुल्तान। फिलहाल कहां तैनात है वो? आपके हुक्म से वो आहलत में तैनात हैं। तो फौरन खबर भिजवाओ। अर्तुरुल के यहां आने से पहले उसे महल में पहुंचना है। उसे उसके पूरे लश्कर के साथ अर्तुरुल की सरबराही में काराजेसार किले के तमाम उमूर की जिम्मेदारी दी जाती है। बिल्कुल बचा है आपका फैसला सुल्तान मौसम। सफर से वापसी पर जानशीन का ऐलान किया जाएगा, जैसा आप मुनासिब समझे सुल्तान मौसम। इजाजत दीजिए। बमसी, सिपाहियों का एक दस्ता बनाओ। वो हमसे पहले आगे के रास्ते की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। अगर उन्हें किसी भी किस्म का खतरा महसूस हो तो वो हमें खबर कर देंगे। जो आपका हुक्म भाई। कोनिया से वापसी तक चावदार कबीले की हिजरत की जिम्मेदारी तुम्हारी है तुर्गुत। जो आपका हुक्म भाई। हलीमा सुल्तान भी कोनिया के सफर में मेरे हमरा होंगी, उनका मेरे साथ जाना बेहतर होगा। हमारी वापसी तक सिपाही बमसी काई कबीले का, तुर्गुत चावदार कबीले का और आर्तुक भाई किले और हानली बाजार के जिम्मेदार होंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। आपने मुझे याद किया था अमीर हजरत। ये मकतूब फौरन आहलत में मौजूद कमांडर याकूब तक पहुंचा दो गोक्तू। शहजादा गयासुद्दीन और उनकी वालिदा माहपरी खातून अलाई से कब वापस पहुंचेंगे? सुल्तान के सफर पर रवानगी से पहले वो उन्हें अलविदा कहने के लिए कोनिया से रवाना हो चुके हैं। और उनके उस्ताद अल्तुनाबा, वो भी शहजादे गयासुद्दीन और उनकी वालिदा के हमरा हैं। आला गोया हम बहुत जल्द देखने वाले हैं कि सुल्तान का अपने छोटे फर्जंद किलिच अरसलान को जानशीन बनाने के इरादे पर उनका क्या रद्द अमल होता है। यकीनन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही होगा अमीर हजरत। अब जाओ फौरन ये मकतूब आहलत भिजवाओ। कमांडर याकूब काराजेसार में अर्तुरुल को मेरा भेजा हुआ सबसे अहम मौरा साबित होगा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूं बेटा। तुम अपनी रियासत की बका के लिए खुद तकलीफ उठा रहे हो। दुरुस्त है तुम्हारा फैसला। अल्लाह यकीनन तुम्हारी नुसरत फरमाएगा। मेरे लिए परेशान ना हो वालिदा, खुद को हल्का न किया करें। मेरी गैर मौजूदगी में अगर जरूरत पड़े किसी चीज की तो आर्तुक भाई हर वक्त मौजूद होंगे यहाँ। तुम भी मेरी तरफ से बेफिक्र होके जाओ अर्तुरुल। बिल्कुल ठीक हूं मैं। अपने बेटों की किले में आमद की मुंतजर हूं बस। बहुत जल्द वालिदा, मुमकिन है कि मेरी वापसी से पहले ही भाई मौजूद हो यहाँ। इंशाल्लाह अर्तुरुल, इंशाल्लाह। वालिदा, अगर मैं अपने इस सफर से वापस ना लौट सका तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे अर्तुरुल। शुक्रिया वालिदा। माशाल्लाह मेरा प्यारा बेटा। बाबा, मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ क्या? ऐसा नहीं हो सकता बेटा, वरना इतने बड़े किले की हिफाजत कौन करेगा? बमसी चाचा है, तुर्गुत चाचा है और भी तो जंगजू हैं। मेरी क्या जरूरत है? वो सब के सब जंगजू हैं और तुम सिपाहसालार हो गुंदूस। सरदार के बेटे को अपने जंगजुओं के दरमियान ही मौजूद रहना चाहिए। जिस वक्त मैं और तुम्हारी वालिदा सफर पर होंगे, किला तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो आपका हुक्म सरदार। शाबाश मेरा बेटा, मेरा बहादुर। जाने का वक्त आ गया एरिस। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द मेरी मदद करने पहुंच जाओगे मेरे दोस्त तिथान। तुम्हें वाहिद उम्मीद हो। अल्लाह हाफिज वालिदा। सफर आसान हो अर्तुरुल, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हलीमा सुल्तान, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हफ्सा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पहले तुम पर सिर्फ हमारे कबीले और औताक की हिफाजत की जिम्मेदारी थी कुंदूज। आज से यह किला भी तुम्हारी हिफाजत में रहेगा। मैं वापस आने के बाद तुमसे सब मालूमात हासिल करूंगा। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप सरदार। मेरा जंगजू बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटी। भाई गुंदूस, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपको भी आर्तुक भाई, अल्लाह हाफिज। मेरा शेर बेटा, बहादुर बेटा, साहब जी का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसकी अच्छी तरह देखभाल करना। आप जल्दी से वापस आ जाए वालिदा, हम दोनों भाई आपका इंतजार करेंगे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। क्या आगे वाले सिपाही तैयार हैं? सिपाही रवाना हो चुके हैं भाई, वो खुफिया मकाम पर हमारे मुंतजर हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर, ज्यादा वक्त नहीं है। अल्लाह आपकी हिफाजत करे भाई। बहुत शुक्रिया, चलो। खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। दरवाजा खोलो। यानी अर्तुरुल को धोखा देने के लिए जो रास्ता मैंने बनाया था, उससे ही मुझे कैदी बनाकर ले जा रहे हैं। ये में मौजूद हमारे जासूस ने खबर भेजी है, अर्तुरुल एरिस को कोनिया लेकर जा रहा है। वो उसे वादा मुआफ गवाह बनाकर सुल्तान के सामने पेश करेगा। नहीं हो सकता ऐसा। यह बात अर्तुरुल के करीबी साथी आर्तुक से बसाते खुद हमारे जासूस ने सुनी है। एरिस होगा कि हम बचा लेंगे उसे। कोनिया पहुंचने से पहले एरिस को बचाना होगा हमें। अर्तुरुल ने एरिस को कोनिया ले जाते हुए हर मुमकिन हिफाजती इकदाम किए होंगे। सुनसान रास्ता इख्तियार करेगा वो पहुंचने के लिए और वैसे भी वो रवाना हो चुके होंगे, अब तक निशान मिलना मुश्किल होगा। अब फिक्र ना करो तितान, एरिस के जबान खोलते ही अर्तुगरुल से रिहा कर देगा, देखना। अब हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि अर्तुगरुल को शिकस्त कैसे देनी है और तुर्कों को आगे बढ़ने से कैसे रोकना है। अगर अर्तुगरुल यहां नहीं तो उन लोगों पर हमला कर देना चाहिए हमें, लेकिन ये जंगजू काफी नहीं है और सिपाही चाहिए हमें। पेशावर कातिल इस्तेमाल करूंगा मैं। एरिस अर्तुगरुल से खुद बचकर हमें तलाश कर लेगा, हो सकता है। मुझे ये बताओ, तुम किले से खबरें कौन भेजता है तुम्हें? आखिर वो जासूस कौन है? आर्तुक की बीवी मारिया। गुनकुद, अब्दुर्रहमान, कोनिया पहुंचने तक एरिस तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। मैं कोई मामूली कैदी नहीं अर्तुगरुल साहब, जमींदार हूं। उम्मीद है कि कोनिया के रास्ते में आप ये नहीं भूलेंगे। इसके हाथ और पैर अच्छी तरह बांध दो। रास्ते में जबान चलाए तो मुंह में कपड़ा ठूंस देना। चलो हलीमा। सिपाहियों, चलो हलीमा। सारे आराम करेंगे यहाँ। एरिस को यहां दरख्त से बांध दो। कोनिया से क्या खबर आई है मलिकशाह? सुल्तान महल में मौजूद नहीं है भाई। लश्कर की तैयारी देखने सफर पर रवाना हो चुके हैं। और यह भी खबर है कि सुल्तान के महल में मौजूद गद्दार को पकड़ लिया गया है। कौन था गद्दार? अमीर निजामुद्दीन था भाई। सुल्तान को मारने की कोशिश ने उसे जिंदान पहुंचा दिया। उसने जिंदान में कैद के दौरान खुदकुशी कर ली। सरदार, ये तो अच्छी खबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे? सिपाहियों, मैं और हलीमा सुल्तान सबसे पहले महल में जाएंगे। अब्दुर्रहमान, तुम हमारे पहुंचने के बाद माले गनीमत लेकर आओगे वहां। जैसा आपका हुक्म भाई। सरदार, एरिस का क्या होगा? लगता है कि सादतीन ने सुल्तान को गुमराह करने के लिए फिर कोई नई चाल चली है। सुल्तान की महल वापसी से पहले एरिस को वहां नहीं ले जा सकेंगे। आह अर्तुरुल, आह, रियासत खोखली है तुम्हारी। फिर भी तुम समझते हो कि तुम अकेले उसे बचा सकते हो। कुछ ले जाओगे तुम इन साजिशों के बीच। तुम्हें तुम्हारे किले में कुचला है मैंने। सबसे पहले तुम्हें अपने जिंदा रहने की दुआ करनी चाहिए। जिस तरह तुम्हें कुचला हुआ है, इसी तरह अमीर सादतिन जैसे गद्दार को भी कुचल डालूंगा मैं। अब्दुर्रहमान, माले गनीमत पहुंचाने के बाद जब मैं कहूंगा तो एरिस को भी वहीं ले आना। जो आपका हुक्म भाई। बेफिक्र हो जाए भाई। अब हमें चलना चाहिए हलीमा। जैसा आप कहें साहब। घोड़े ले आओ। तो मौत की सजा पाने वाले मुजरिम की तरह इतने परेशान क्यों हो गोब्दू? अर्तुरुल यहाँ पहुंचने वाला होगा अमीर हजरत। उसके महल पहुंचने से पहले उसको खत्म करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। अर्तुरुल पर एक बार फिर से रास्ते में हमला करना क्या सुल्तान को दोबारा शक में मुब्तला नहीं कर देगा? असल हलाकत अर्तुरुल का महल आना नहीं है, बल्कि सुल्तान को शक में मुब्तला करना है। यकीनन वो पूरी तैयारी से आएगा। सुल्तान को आपके खिलाफ सारे सबूत पेश करेगा। अर्तुरुल के लिए मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि महल में उसकी कब्र बन जाएगी और उसके सबूत भी दफन हो जाएंगे उसके साथ। तुम्हारे ख्याल में महापरी खातून का सुल्तान के इस फैसले पर क्या रद्द-ए-अमल होगा कि उनके अपनी फर्जंद गियासुद्दीन के बजाय मलिका या आदिले के फर्जंद किलिच अरसलान को अपना जानशीन बनाना चाहते हैं? इस तरह वो शदीद मुश्ताइल हो जाएंगे। हाँ, तो आप तुम जल्दी से जाकर यह अंदोहनाक खबर गियासुद्दीन के उस्ताद अल्तुनाबा तक पहुंचाने के लिए उसे यहां दावत पर बुलाओगे। महपरी खातून को यह बात समझाना बहुत जरूरी है कि उनका बेटा मेरी मदद के बगैर सुल्तान नहीं बन सकता। जिसके बाद सलजूक रियासत के अगले सुल्तान का इंतखाब आपके मुबारक हाथों से होगा। सल्तनत में जरूरी तब्दीलियों का वक्त आ चुका है गुप्तू। पहले सुल्तान गियासुद्दीन। और फिर सुल्तान सादतीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों कबाइल को यकजा करने का ख्याल अच्छा है। दुश्मन के खिलाफ हम ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तुर्गुत सरदार, हमें दुश्मन के खिलाफ मजबूत जरूर होना चाहिए, लेकिन दोनों कबाइल का इतना करीब आबाद होना मसाइल पैदा कर सकता है। बेशक दोनों कबाइल के लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, मगर निज़ाम यकसर मुख्तलिफ है और तौर तरीके भी अलग हैं सरदार। अगर दोनों कबाइल बहुत करीब आबाद हो गए तो खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में परेशानी भी बढ़ सकती है। सही कहा असलयान, हो सकता है। हमें हर जाविये से सोचना चाहिए। दो जगह मौजूद है आबाद होने की, एक थोड़ा और आगे की तरफ है, लेकिन पानी की फरावानी है वहां और हरियाली भी ज्यादा है। मुनासिब होगा वहीं आबाद हो जाए। हम मुअज़्ज़ीन से मशवरा किया था मैंने, आप जो भी फैसला करेंगे वो वहीं आबाद हो जाएंगे। मेरा भी यही मानना है। हमें फौरन अपना कबीला वहां मुंतकिल कर देना चाहिए। तुर्गुत, अर्तुरुल भाई भी हमारे इस फैसले को कबूल कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारे लिए अपने कबीले की बेहतरी भी अहम है। अर्तुरुल भाई समझ जाएंगे, फिक्र मत करो तुम। चावदार कबीले का सरदार हूं मैं। अगर हम लोगों को यह जगह मुनासिब लगती है तो हम यहीं पड़ाव डालेंगे। इनमें से हर एक ने ना जाने कितने तुर्कों को मारा है। हम इस जगह के मालिक हैं और अब तुम हमारी गुलाम हो। परेशान मत हो, भूखा नहीं मारेंगे तुम्हें। ले चलो इसे। सुल्तान ने अपनी जानशीन के लिए शहजादे किलिच अरसलान को मुंतखब किया है, लेकिन मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि सुल्तान के अतराफ महल में मौजूद गद्दारों का खात्मा हो चुका है।